नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम मेनली साझा करने वाले जो रेलवे में लेवल 2 के स्टाफ होते तो उनका सैलरी स्लिप दिखाने वाले, उनका मंथली सैलरी कितना आता। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि लेवल 2 में हर एक लेवल में ये ऐसा होता कि एक होता ऑफिशियल स्टाफ, फिर होता टेक्निकल स्टाफ और फिर होता रनिंग स्टाफ। ठीक है, तो मेनली अभी हम जिक्र करने वाले एक ऑफिशियल स्टाफ जिसको हम नॉन टेक्निकल कहते हैं, नॉन टेक्निकल, और एक होता टेक्निकल स्टाफ जो ITI करके ALP के थ्रू आते। तो ये है टेक्निकल स्टाफ। तो अभी जो हम सैलरी सजा करने वाले वो है टेक्निकल स्टाफ का। तो यह आप देख सकते हैं, ये दिसंबर 2023 का सैलरी है, इनका पहला सैलरी है क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देखो तो 23/11 को इनका ज्वाइनिंग है और ये दिसंबर का सैलरी है, 29 दिसंबर को आ गया होगा इनके अकाउंट में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ड्यूटी डेट जो है वो 31 है, ग्रॉस पे 36,802 है। 36,802 बनता नहीं क्योंकि इनका जो बेसिक है, लेवल भी देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बेसिक पे जो है 19,900 है। इसमें अगर आप ये देखो डियरेंस बेसिक से बेसिक पे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इनका ड्यूटी कब स्टार्ट हुआ है, 23 तारीख को, तो 23 तारीख से लेके 1 तारीख तक में जो 7 दिन इनका ड्यूटी हुआ, 7 दिन का बेसिक पे का इनका पैसा ये बना है। ठीक है, और उनका वो DA यानी 2441 ये, और ये इधर 5307, ये इनका 7 दिन का सैलरी है। ठीक ना, अगर आप इसको ऐड करोगे तो कुल इतना होता, यानी पर डे 1000 के आसपास कह सकते हो, 1100 के आसपास सैलरी एक दिन का बन रहा है इनका। अब पूरा अगर देखो तो कहाँ कहाँ से पैसा आया है, बेसिक पे है इनका 19,900 और जो DA है 47% वो 9154 है। इनका ट्रेनिंग पीरियड होता है 6 महीने का, तो 6 महीने ये ट्रेनिंग करेंगे, तब तक इनको HR जो होता है, TA वो सब नहीं मिलता है इनको, तो अभी बेसिक और उसका जो DA होता वो मिलता। तो कुल मिला के इनको मिला हुआ 36,802 रुपया, उसमें से कटता इनको अभी 9 रुपया ये स्कीम का और प्रोफेशनल का वो 200 रुपया कटता। फिर जब 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा फिर NPS इनका कटना शुरू हो जाएगा, तो वो भी 3,000 के आसपास कटेगा। यानी ओवरऑल अमाउंट जो है ना इनके अकाउंट में यही आएगा 19,900 और फिर उसमें आप 9154 ऐड कर दो, 9154 यानी 45092 29,054 रुपये, यानी 30,000 के आसपास आप कह सकते हो इतना रुपया इनके अकाउंट में आएगा मंथली। ये इनका सैलरी, वो टेक्नीशियन पोस्ट की बता रहा हूँ, क्योंकि चाहे ऑफिशियल स्टाफ हो, ऑफिशियल स्टाफ में TA बनता, कभी कभी ऑफिशियल जाना होता है तो, पर कम बनता है। वैसा ही सेम टेक्नीशियन स्टाफ को भी रेयरली कभी कभी ऐसा होता, कहीं बाहर जाना पड़ता तो कम बनता है। जो रनिंग स्टाफ होते हैं ना, जो ट्रेन पे सफ़र करते हैं, उनका सैलरी अधिक बनता। मैं TT का साझा किया हुआ था, गुड्स का भी ऐसे, गुड्स गार्ड का भी ऐसा ही है, जो ड्राइवर होते हैं ALP होते हैं उनका भी वैसा ही सैलरी है। तो जो भी रनिंग स्टाफ है, कुछ ग्रुप डी वाले पोस्ट में भी होते हैं रनिंग स्टाफ, तो उन लोगों का ठीक ठाक सैलरी बनता है। तो खैर, सबका अपना कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो कैसा लगा बताइएगा जरूर। इसको कम नहीं आकीगा, काफ़ी अच्छा होता है, जब सैलरी आना शुरू होता है तब पता चलता है इस चीज़ का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।